मिनट, यू हैव टू मेक अ कॉल। नहीं सकता पीटीवी बोर्ड के बाहर। सर हम आपको बात नहीं करने देंगे। नो सर, नो सर, हमें कोई दिलचस्पी नहीं आपकी बात में। इस तरह नहीं होगा सर, हम आपकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। नहीं रखें तो आप हमें मार दें, गिरफ्तार करवा दें। नो सर, नो, यू हैव टू मेक अ कमिटमेंट सर। जिस तरह आपने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, मेरे लोग भूखे मर रहे हैं। ये मुल्क सिर्फ आपका नहीं है सर, ये मुल्क हमारा भी है, हम इसके बाशिंदे हैं। हमारा सीएनएसी यहाँ का बना है, हमारे माँ बाप इस मिट्टी में दफन है सर। अगर आप जो आप ये कहें, हाँ आपने कहा नहीं सर, आपने कहा था कि कोई बंदा बेरोजगार नहीं होगा। नहीं होगा, कोशिश करेंगे। ये पीटीवी बोर्ड का काम है, आप उसके सामने एहतियात करेंगे सर। ये आज आप बता रहे हैं हमें, पूरे कारकुनों की बात हो रही है सर। हुकूमत एक सबसे बड़ा सर, क्या आपने ये काम किया कि जिन मालकान को आप इश्तहार देते हैं उनको कहें इनको पैसे भी दें? बात की है, क्या कहते हैं वो? उन्होंने कमिटमेंट की है कि हम करेंगे, जो तो हमारी मार्केट है उसके मुताबिक करेंगे। इफ यू आर इन अ पोजीशन टू गिव अस द टाइम फ्रेम सर। नहीं, मैं टाइम फ्रेम का प्लीज सर, एक मिनट जी, एक मिनट यार, हम बात कर रहे हैं सर। क्या आपने मालकान से ये बात की कि जिन लोगों को आपने, सरकार के मुलाजम नहीं है, आप उनको अरबों रुपए के इश्तहार दे रहे हैं सर, अरबों रुपए के इश्तहार दे रहे हैं उनका, आप उनके सामने इजाज करें? नहीं, आप क्यों दे रहे हैं सर इश्तहार? हम तो कानून के मुताबिक चल सकते सर। देखे, अब ये तहरीक पूरे मुल्क में शुरू हो चुकी है। हुकूमत का कोई बंदा जो है वो इंडिपेंडेंटली अपनी बात नहीं कर सकेगा। आप अपने घरों तक मैसूर हो जाएंगे। अगर आपको तहरीक चलानी आती है तो हमें आपसे ज्यादा तहरीक चलानी आती है। वी विल नॉट स्पेयर एनी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। हमारा एक जितनी लिमिटेशन है। नहीं, आपने मेरे से वादा किया था सर, आप खाएं कसम कि आपने वादा नहीं किया इसके ऊपर। आपने कहा आपको अभी यकीन दिला रहा हूँ कि बात करूंगा। अभी आप मुझे पीटीवी उधर भेज रहे हैं बोर्ड में, कहा वो बोर्ड है उसमें हमें भी बात करूंगा। सर आपने मुझे कहा था कि पीटीवी का एटीवी का बोर्ड से मेरा जितना ताल्लुक है मैं उनको सिर्फ कह सकता हूँ मेरे अंदर। देखिए फवाद चौधरी साहब, आपने सारी उम्र वजीर नहीं रहना, कोई ऐसे काम करके जाए कि लोग आपको याद करें। लोग याद कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं, आपने पीटीवी बोर्ड जो है उसको मैं कह सकता हूं। मैं नहीं सर, दिस इज नॉट द वे सर, दिस इज नॉट द वे। आप आज अपनी बात से मुकर रहे हैं सर, आज आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। आप ना वजीर आजम को बताते हैं, ना किसी और को बताते हैं, अपने बंदे वजीर आजम साहब को भी पता है। आप उसको लीज आउट क्यों नहीं करते सर एटीवी को? किसको? एटीवी का टेंडर दे, बोर्ड ने फैसला किया। सर बोर्ड आप हैं, आपके बंदे उसमें नॉमिनेटेड। नहीं नहीं, मैं बोर्ड नहीं सर, एक बाकी मीडिया के भी कर रहे हैं। आप देखिए जियो में तनखा नहीं, ये देखिए सर, ये बोर्ड टीवी है सर। पैमरा ने इसको 4.5 करोड़ पे लेके एक और टीवी चैनल का लाइसेंस दे दिया। इफ दे डोंट हैव द मनी, पैमरा ने किया सर, पिछली हुकूमत नहीं सर, अभी अभी लिया अभी। इफ दे डोंट हैव द मनी, दे हैव नो राइट टू परचेज द न्यू लाइसेंस सर। ये सर अब आ गया है एक्सप्रेस। क्या आप समझते हैं लखानी के पास पैसे नहीं है? अरबों रुपए का ये बिजनेस कर रहा है। हुकूमत के साथ अगर इसका कोई पंगा है तो हुकूमत हमें बताए। ये जियो है सर, क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि मीर शकील उरहमान के पास पैसे नहीं है? सारा मुल्क ये लूट के खा गया और लोगों को पैसे नहीं दे रहा। मालकान से दोबारा बात करते हैं, हम एक बात ही कर सकते हैं अब, हम उन्हें और क्या कहें? आप इतने बेबस हैं सर, 22 करोड़ लोगों को बंद कर दें, क्या करें? इश्तहार बंद कर दें सर। आप इनको कहें कि हम इश्तहार उसको देंगे जो तनख्वाहें देगा, जो पैसे देगा। और एटीवी, और एटीवी तो आपके हाथ में है सर, एटीवी आपके हाथ में है। आप हमसे वादा करके मुकर दें। नहीं सर, आप लाइसेंस का ठेका दें, आप ठेका दें, जिस तरह से आप काले चोर को दे दें, अलग पे पे जिसको मर्जी दे दें, उसको पाबंद करें कि जो लोग 14 साल से एटीवी चला रहे हैं वही लोग अब एटीवी चलाएंगे। अगर सर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके, फवाद चौधरी साहब, आई जस्ट वांट टू पुट द थिंग्स ऑन रिकॉर्ड। जो इदारे तनख्वाहें या मुलाजमीन, फवाद चौधरी साहब, आई जस्ट वांट टू पुट द थिंग्स ऑन रिकॉर्ड। हमने आपके हाथ जोड़े, एटीवी का मामला हल कर दें, ये हाथ जोड़ रहे हैं हम आपके। फ्रेम दे दें या जो मीडिया के दोस्त हैं उनको बुला लें अपने पास, उनकी बात हो रही है। हम आपको क्या, अगर ये, अगर सर सरकार चला के इसको चला सकती तो पीटीवी आज नुकसान में ना होता सर, एसआरबीसी अपनी तनख्वाहों के लिए ना रो रहा होता, एपीपी के मसाइल आज तक ना होते, हुकूमत का काम नहीं है। फवाद चौधरी साहब, आप हमें एक टाइम दें जिसमें तमाम तंजीमों के नुमाइंदे आएंगे, हमसे बात करेंगे, बैठ के बात करते हैं, क्योंकि आप वॉकआउट हम करते हैं तब भी आप लोग जो है उसको रस्मी तौर पर
کر لیتے ہیں پھر یہ یہاں تک بات آ گئی ہے پارلیمنٹ کے احتجاج کے بعد تمام نمائندوں کو اور آپ اعلان یہاں پہ کریں کہ جو ادارے اور سر جو ادارے لوگوں کو نکال رہے ہیں تنخواہیں نہیں دے رہے یا انشور کریں قانون کے مطابق نہیں سر ان کو اشتہارات بند کرنے کا اعلان کریں اشتہارات بند کرنے کا اعلان کریں سر سر ان کا اشتہار بند کرنے کا اعلان کریں آپ کیوں سنا اللہ آپ ٹیوزڈے کا ٹائم اناؤنس کر دیں ہم اس وقت تک کے لیے سارے دوستوں کو منگل کو 3 بجے رکھ لیں منگل کو 3 بجے ویئر آفس آپ کے اور سر یہاں پہ آپ یہ تو اناؤنس کریں گے جو لوگ اشتہار جو لوگ نکال رہے ہیں یا تنخواہیں نہیں دے رہے ان کے اشتہار آج سے منگل تک بند ہے آج سے منگل تک بند ہے اشتہار ان کے بند کر آج سے منگل سے پوچھتا ہوں نا لیگل پوزیشن کے ان کے اشتہار بند کرا دو تنخواہیں ملنا ٹھیک ہے کیوں جی ان کے اشتہار بند ہونے چاہیے ان کے اشتہار بند ہونے چاہیے اناؤنس کریں سر یہ مطالبہ ہے لوگوں کا منگل تک ان کے اشتہار بند کریں آپ جی پی آئی او کو ہدایت کریں سر پی آئی او کو ہدایت کریں کیا نہ تو انتقال کا اشتہار بند ہونے چاہیے جی پی آئی او کو ہدایت کریں سر پی آئی او صاحب اس کو ذرا غور سے اس کو ذرا اس کے اشتہار بند کریں ایکسپریس جیو جنگ منگل تک ان کے اشتہار بند کریں سر سر آپ کہہ دیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے انہوں نے تو موٹی ہے نا آپ کہیں کہ اشتہار بند ہے میاں صاحب کو آپ ہدایت دیں کس کا پریشر ہے آپ کے اوپر آپ کے اوپر پریشر کس کا سر اب ہم روٹین کا احتجاج کرنے والے نہیں ہیں ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں آپ کے بچے منرل واٹر پی رہے ہیں ہمارے بچے اس سردی میں ہمارے بچوں کے پاس سر پلیز سر آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ یو آر دا گورنمنٹ آئی ایم دا ووٹر آپ کلیئر کمٹمنٹ کر دیں اور اناؤنس کر دیں منگل تک اشتہار بند اور اشتہار منگل تک بند کریں منگل تک اشتہار بند کریں بند کرنا میرا اختیار نہیں ہے وہ میاں صاحب آپ بی آئی او کی بات سنیں کیا آپ منگل تک اشتہار بند کر رہے ہیں سر سر ہم پریس کانفرنس نہیں کرنے دیں گے وزیر کو دس از دا پوائنٹ آپ منگل تک ان کے اشتہار بند کریں ہم آپ کی بات سنتے ہیں اگلی بات بعد میں کر لیں گے منگل تک منگل تک آپ سر وہ 6 مہینے تک آپ ہو سکتے ہیں ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے آپ کہہ رہے ہیں وہ اشتہار منگل تک نہیں بند ہو سکتا وہ 8 مہینے صدری بند کر سکتے ہیں انہوں نے 8 مہینے سے صدری بند کی نو آپ اشتہار بند کرنے کا اعلان کریں ان کا آپ کلیئر اناؤنسمنٹ کر دیں تاکہ منگل نہیں آپ کا ماتا تھا پی آئی او پی آئی او آپ کا ماتا تھا سر سر ورنہ یہاں سے نکل کے آٹھ دن اشتہار بند رہے کریں آپ اشتہار بند کیا کیا سر ہم ایڈوائس اشتہار بند کرنے کی یہ کہیں آپ یہی اشتہار بند کرنے کی ایڈوائس بھیج رہا ہوں اینڈ ون تھنگ شوڈ بی ویری کلیئر اگر ان 8 دنوں میں پی آئی او نے کوئی اشتہار جاری کیا نہ تو ہندوستان کو منگل تک اگر اشتہار جاری کیا تو ہم پی آئی او کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے